कि अगर हमारे पास कुछ सर्टेन बाउंड्रीज होती है जहाँ से उसकी स्टार्टिंग है, कहाँ से उसका एंड पॉइंट जा रहा है, कुछ ना कुछ हम देखते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के अंदर हम देख रहे हैं इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, मतलब इसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज दी गई है। ऑटोकैड के अंदर क्या होता है, ऑटोकैड के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट एंडलेस होता है, इसके पास कोई तकरीबन ना खत्म होने वाली बाउंड्रीज होती है। अगर मुझे यहाँ से लेकर प्रणोजाम से लेकर हैदराबाद तक के अंदर अगर कोई मैप ड्रा करना है, इसका रोड का मैप ड्रा करना है, मैं इसको कंटिन्यूसली ड्रा कर सकता हूँ। अगर हैदराबाद से लेकर कराची तक का मुझे मैप ड्रा करना है तो मैं वो भी इसके अंदर ड्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 100 फीट के बाद, 100 मीटर के बाद या 1000 मीटर के बाद ही जाके खत्म हो जाए, ऐसा इसके अंदर मेथड नहीं। अब जब किसी भी चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं है, उसके अंदर कोई काम शुरू करना होता है, तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। इसका प्लेटफॉर्म हमारे पास कहाँ से आता है, इसके अंदर एक कमांड दी गई है ग्रिड की। आप जब देखेंगे इसके अंदर बॉटम पे स्टेप्स लिखा हुआ है, ग्रिड लिखी हुई है, और भी दो तीन चीज़ें लिखी हुई। ग्रिड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ग्रिड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपके पास मौजूदा डिस्प्ले की विंडो दी हुई है आपके पास, जिस पॉइंट के ऊपर देखेंगे पर्टिकुलरली आपको वहाँ पे ग्रिड लिखा हुआ नजर आएगा। उस ग्रिड को आप ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रिड आपके पास पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। जूम ऑल करने के बाद जूम ऑल कर स्टार्टिंग पॉइंट था ना वाला, जूम ऑल साइड ले ले ठीक है ना, जूम ऑल लिख देते हैं, जूम करके एंटर करें, जूम लिख के अंदर कमांड में कमांड में जूम लिख दो, हां कमांड के अंदर जूम लिख के एंटर करें, उसके बाद आप लिखा होगा ऑटो ग्रिड आपका शॉर्ट की इसके ऊपर चलता है। वहां पे आप